थर्टीज एंड फोर्टीज़ आर द न्यू ट्वेंटीज सो वाई वेट फॉर फिफ्टीज एंड सिक्सटीज़ फॉर एंटी एजिंग हाई मैं हूँ डॉक्टर साहिल न्याजी मैं एस बी एस्थेटिक्स गुरुग्राम में प्लास्टिक सर्जन हूँ और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे नॉन इन्वेजिव एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स के बारे में जो आपकी एज को डेफिनेटली रिसेट कर सकते हैं अब एजिंग एक ग्रेजुअल प्रोसेस है तो इसका ट्रीटमेंट भी किसी एक चीज पर डिपेंड नहीं होना चाहिए जितना पॉसिबल हो उतना अर्ली आप ट्रीटमेंट अगर स्टार्ट करें तो एंटी एजिंग के बेस्ट रिजल्ट आते हैं तो एंटी एजिंग इन थर्टीज़ एंड फोर्टीज सबसे पहली चीज़ जो हम बात करेंगे वो है बॉटोलिनम टॉक्सिन ये मसल्स को रिलैक्स करता है उनको स्मूदन आउट करता है इसका काम सबसे इम्पोर्टेंट है अपर फेस में जहां हम स्ट्रेस की वजह से हमारे फोरहेड पे फाइन लाइंस आती हैं फ्राउन लाइंस आती हैं और क्रोस फीट आती है सो डेफिनेटली ये एक बहुत ही रिफ्रेश और रिलैक्स लुक देता है ये टेम्प्रेरी होता है तो अगर आपको पसंद ना आए तो आप डिसकंटिन्यू कर सकते हैं लेकिन अगर अच्छा लगता है तो आप स्मॉल डोजेज में इसको आगे भी कंटिन्यू कर सकते दूसरा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में काफ़ी बॉर्डर करता है वो है अंडर आई डार्क सर्कल्स यहाँ हॉलोनेस होना या वॉल्यूम लॉस होना इसके लिए हम यूज कर सकते हैं डर्मल फिलर्स इनका काम होता है स्किन को स्ट्रेच करना थोड़ा वॉल्यूम देना और जिनका भी मिड फेस थोड़ा फ्लैट होता है उनको एक थ्री डायमेंशन देता है जिससे फेस का एक प्लीजिंग प्रपोर्शन बनता है एंड डेफिनेटली आप काफ़ी रिफ्रेश लगते हैं ये भी टेम्प्रेरी होता है बट इसका रिजल्ट ऑलमोस्ट अपू वन टू वन एंड हाफ ईयर लास्ट कर सकता है थर्ड थिंग जो इंडिया में जो काफ़ी बॉदर करती है लोगों को वो है उनका पिगमेंटेशन शुरू से ही सोशल मीडिया पे काफ़ी ज्यादा ट्रेंडिंग रही हैं वाइटनिंग क्रीम्स एंड ऑल सो आई थिंक बहुत ज़्यादा जरूरी है क्लियर स्किन का होना सो so अगर आपका पिगमेंटेशन वेरिएबल है तो हम लेज़र टोनिंग के थ्रू उसे यूनिफॉर्म कर सकते हैं डेफिनेटली एक से दो शेड लाइटन भी कर सकते हैं और एक अच्छे स्किन के रजीम के साथ आप एक लंबा और पॉजिटिव इफेक्ट पा सकते हैं अब चौथी चीज़ जो हम बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा आगे बॉर्डर करती है स्पेशली फोर्टीज़ में वो है सैगिंग सो अर्ली ऑन अगर हमें सैगिंग को एड्रेस करना है सो so, हम यूज कर सकते हैं हाई फू यानि हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड ये एक डीप ट्रीटमेंट है जो कि डीप टिश्यू को टाइटन करता है हमारे मिड फेस लोअर फेस और नेक को भी कुछ हद हाँ तक लिफ्ट कर सकता है ये बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं लेना पड़ता है लेकिन ये सेशन बेस्ड है एंड डेफिनेटली इसका एक बहुत अच्छा इफेक्ट होता है टाइटनिंग में स्पेशली लोअर एंड मिड फेस अब यहाँ पर तीन और बट मिनिमली इन्वेजिव बट रियली इफेक्टिव चीज़ों को मैं मैंशन करना चाहूँगा एक है पी पी जो आपके ब्लड से डिराइव किया जाता है ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट जो आपकी स्किन का हाइड्रेशन बूस्ट करता है एंड एंड डेफिनेटली उसमें एक बहुत अच्छी वॉल्यूम ग्लो प्रोवाइड करता है सेकेंड जो मिनिमली इनवेजिव मोडालिटी है वो है माइक्रो नीडलिंग विद रेडियो फ्रीक्वेंसी ये हेल्प करता है स्किन की टाइटनिंग में कॉलेजन प्रोडक्शन में एंड इनफैक्ट ये कुछ हद तक एक्ने स्कार्स को भी स्मूदन आउट करने में हेल्प करता है एंड द थर्ड थिंग जो कि थोड़ा सा और इन्वेजिव हो सकता है बट फोटीज़ में जो माइल्ड सैगिंग डेवलप होती है स्पेशली लोअर और मिड फेस में उसको एड्रेस करने के लिए है थ्रेड लिफ्ट ये हेल्प करता है आपकी जॉ लाइन को डिफाइन करने में थोड़ा सा अपने मिड फेस की वॉल्यूम को लिफ्ट करने में एंड डेफिनेटली ये फेस लिफ्ट की रिक्वायरमेंट को थोड़ा और पीछे पुश कर सकता है अब जबकि हमने ये नॉन इन्वेजिव एंड मिनिमली इन्वेजिव मोडालिटीज के बारे में बात कर ली है तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो इतने ऑप्शंस एग्जिस्ट करते हैं तो ज़रूरी है कि क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन हो जिससे आप कंसल्ट करें अगर आप इंटरेस्टेड हैं और उनसे यह ट्रीटमेंट करवाएं आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी आपकी कोई भी डाउट्स अगर बोटॉक्स या फिर फिलर्स या हाइफू या डिजर टोनिंग को रिलेटेड है तो मैं कमेंट बॉक्स में जरूर मैंशन करें हम उनका आंसर देंगे इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली में और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आगे आने वाला कोई भी वीडियो मिस ना हो थैंक यू सो मच